हम कहां से आए, हम इंसान धरती पर आए कैसे, हमारी हिस्ट्री क्या है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमेशा से सबके माइंड में रहता है, बट इसका जवाब किसी के पास नहीं है। हेलो एवरीवन, मैं हूं दीक्षा और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इंसान धरती पर आए कैसे, कहां से शुरू हुई हमारी लाइफ। तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो इंसानों की हिस्ट्री जानने के लिए आइए चलते हैं 6.5 करोड़ साल पीछे। क्या होता था 6.5 करोड़ साल पहले? 6.5 करोड़ साल पहले इस धरती पे दो प्रजातियां रहती थी, एक थे डायनासोर्स, दूसरे थे मैमल्स यानी कि स्तनधारी जीव। डायनासोर्स ने धरती पर 14 करोड़ सालों तक राज किया। दूसरी चीज ये कि डायनासोर्स आज की छिपकली के जैसे दिखते थे। डिफरेंस ये था कि डायनासोर्स का साइज थोड़ा बड़ा होता था और हमारी जो छिपकली है उनका साइज छोटा होता है। और जो हमारे रेंगने वाले जीव हैं, यानी कि छिपकली, सांप वगैरह, डायनासोर्स उनके वंशज थे, उन्हीं से इवोल्व हुए। दूसरी प्रजाति जो उस टाइम धरती पर थी वो थे मैमल्स, जो कि आज के चूहों के जैसे दिखते हैं। अब 6.5 करोड़ साल पहले क्या होता था कि जो डायनासोर्स होते थे वो धरती के ऊपर रहते थे क्योंकि उन्हें किसी का डर नहीं था, पूरी धरती पे उनका राज था। और जो मैमल्स थे वो धरती के नीचे बिलों में छुपकर रहते थे क्योंकि उन्हें डर था डायनासोर्स का, इसीलिए वो कभी भी धरती से ऊपर नहीं आते थे। हमेशा 14 करोड़ सालों तक ऐसा ही चलता रहा, पूरी धरती पे डायनासोर्स राज करते रहे, उन्हें कोई डराने वाला नहीं, ना उनके आगे ना उनके पीछे, पूरी धरती पर सिर्फ और सिर्फ उनका राज था। बट कहानी हमेशा सेम नहीं रहती, कहानी में ट्विस्ट आता ही है। एक टाइम ऐसा आया कि कहानी में आ गया एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। जब डायनासोर्स राज कर रहे थे इतने करोड़ सालों तक, एक टाइम आया कि एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड आकर टकरा गया हमारी धरती से, और वो हादसा इतना बड़ा हुआ कि एक बहुत भयानक विस्फोट हुआ, पूरी धरती पर धूल ही धूल जमा हो गई, धूल का जैसे तूफान ही आ गया, सूरज की किरणें पहुंचना बंद हो गई और धरती का एटमॉस्फेयर एकदम से चेंज हो गया। और एटमॉस्फेयर ऐसा चेंज हुआ कि वो डायनासोर्स के लिए अनुकूल नहीं था, डायनासोर उसमें सरवाइव कर ही नहीं पाए। धीरे धीरे डायनासोर्स खत्म होने लगे और एक टाइम के बाद डायनासोर की पूरी प्रजाति खत्म हो गई और डायनासोर्स हमारे धरती से हो गए विलुप्त। अब उस चीज, वो जो सिचुएशन थी, वहां पर एक अच्छी चीज हुई, वो ये हुई कि जो मैमल्स थे वो धरती के नीचे रहते थे, इसीलिए इस चीज का उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। और जब सब कुछ ठीक हो गया तो मैमल्स आए धरती के ऊपर। अब आता है कहानी में दूसरा ट्विस्ट। अब मैमल्स बच गए हैं, उन्हें किसी का डर नहीं है, अब वो आ गए हैं धरती के ऊपर, अब उन्हें डराने वाला कोई नहीं है और पूरी धरती पर राज हो गया है मैमल्स का। अब धीरे धीरे एनवायरमेंट फिर से चेंज होने लगा, सभी कंडीशन ठीक होने लगी और एनवायरमेंट में चेंजेस की वजह से नई नई प्रजातियां बनने लगी, उनकी ग्रोथ होने लगी, एनवायरमेंट ठीक होने लगा, मैमल्स का साइज बड़ा होता गया और उस टाइम के मैमल को कहा जाता था प्रोटो प्राइमेट। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे एनवायरमेंट में चेंज हो रहा था, एक और प्रजाति आई जिसका नाम था बंदर, जिनको हम मंकी बोलते हैं, मंकी पैदा हुए। कुछ टाइम बाद मैमल्स में आया एक बहुत बड़ा चेंज और वो ये कि मैमल्स पैरों पर चलना सीख रहे थे। और उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा था। पर जैसा कि हमें पता है, जब सब कुछ सही चल रहा हो तभी आता है कहानी में एक और ट्विस्ट। हुआ ये कि कुछ साल बाद अफ्रीका के ईस्ट पार्ट में पर्वत बना, बट वो पर्वत एक गड़बड़ बन गया, मतलब उस पर्वत की वजह से हवाएं आना बंद हो गई, वो हवाओं को रोक रहा था, बारिश उसकी वजह से आना बंद हो गई, सूखा पड़ गया। और कमाल की बात क्या थी कि जो हमारे पूर्वज थे वो अफ्रीका में रहते थे, हमारे पूर्वज थे एप्स, वो पेड़ों पर रहते थे, बट जैसे जैसे उस पर्वत की वजह से बारिश आना बंद हुई, पेड़ खत्म होना शुरू हो गए। अब वो उन्होंने फैसला लिया कि हमें पेड़ों से नीचे उतरना चाहिए, पहले वो पेड़ों पर रहकर ही गुजारा करते थे, वही खाते थे, बट जैसे जैसे पेड़ खत्म हो रहे थे उन्होंने नीचे उतरना शुरू किया, उन्होंने नीचे से खाना ढूंढकर खाना शुरू किया।
और धीरे धीरे वो पैरों से चलना शुरू करने लगे और टाइम के साथ उनकी ग्रोथ होने लगी, विकास होने लगा और इनका दिमाग बढ़ता गया। उसके बाद कुछ साल के बाद एक प्रजाति आई जिन्हें बोला जाता था ऑस्ट्रालोपिथेकस। ये वो मैमल्स थे जो बिल्कुल सीधे चलते थे। उसके बाद धीरे धीरे जो हमारे पूर्वज थे, जैसे जैसे उनकी ग्रोथ हुई, इवोल्व हुए, उन्होंने पत्थर से औजार बनाने शुरू किए, शिकार किया, आग का आविष्कार किया। उसके बाद अपने शिकार को वो आग में सेक कर खाते थे या सर्दी से बचने के लिए भी आग को वो इस्तेमाल करते थे। फिर आते हैं होमोसेपियंस। उसके बाद जो इवोल्व हुए उनका नाम तो होमोसेपियंस, और इन्होंने आविष्कार किया था संस्कृत भाषा का। इन्होंने कपड़े बनाए, खेती शुरू की और बहुत ज्यादा ग्रोथ इनकी होने लगी और फाइनली बन गया आज का। तो ये थी हिस्ट्री हमारे इंसान बनने की, ऐसे आया था इंसान। इस 6 मिनट के वीडियो में हमने जाना पूरे 6.5 करोड़ साल की कहानी में कि इंसान कैसे आया। आई होप आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी, यूजफुल लगी। इफ यस, तो आपके हर एक कॉन्टेक्ट में ये वीडियो जानी चाहिए। सभी को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट आप ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और पाते रहें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।